लेते इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो कि अंबाला से सामने आ रही है। कोरोना पर अंबाला से एक अच्छी खबर आई है। आपको बता दें कि एक और कोरोना पॉजिटिव महिला यहां पर ठीक हुई है। बुजुर्ग महिला स्वस्थ होकर अपने घर लौटी है। अब सिर्फ चार जमाती ही कोरोना पॉजिटिव बचे हैं। और देखिए बड़ी खबर आपको अंबाला से हम बता रहे हैं, बुजुर्ग महिला स्वस्थ होकर अपने घर लौटी है और एक और कोरोना पॉजिटिव ठीक हुई है। यहां से सिर्फ चार जमाती ही यहां पर पॉजिटिव बचे हैं, तो इसे एक अच्छी पहल मानी जाए, एक अच्छी खबर मानी जाए कि किस तरह से अपनी आत्मशक्ति, अपनी इच्छा शक्ति के जरिए कोरोना वॉरियर्स अपने घर पहुंच रहे हैं। कोरोना को मात देकर वो अपने घरों में, अपने परिवार के लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए, कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है तो उसमें संक्रमण के चांसेस बने रहते, इसीलिए उन्हें भी 14 दिन के लिए कड़े एहतियात दिए जाते हैं कि वो अपने घर में ही रहे, एकांतवास में रहे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, राहत भरी खबर हम तमाम दर्शकों तक बता रहे हैं, तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक और कोरोना पॉजिटिव महिला यहां पर ठीक हुई है, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? कौन थी ये महिला, किस तरीके से महिला संक्रमित हुई थी? जो पहले चंडीगढ़ में कोहली की डेथ हुई थी, 76 वर्षीय थे, उनकी जो थी संबंध थी है, और इसको भी कोरोना पॉजिटिव बताया गया था। उसके बाद इनको जो है बुलाना मेडिकल कॉलेज से पीजी भेज दिया गया था, जहां इलाज के दौरान जो है अब उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है, और उसको दोबारा उनका कल फिर टेस्ट किया गया था, जिसके बाद भी उनकी रिपोर्ट जो नेगेटिव आई है। इसलिए ये राहत भरी खबर है अंबाला के लिए, क्योंकि ये महिला जो है ये इसकी हिस्ट्री जो थी वो विदेश की हिस्ट्री थी, विदेश से ही आई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल जो है नेगेटिव रिपोर्ट आई है, और आज इसको जो है वो हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी और ये अंबाला जो है वापस आ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एक अच्छी खबर आपको बता रहे हैं जो कि अंबाला से सामने आ रही है। चार जमाती ही यहाँ पर पॉजिटिव बचे हैं।